और अगर आपको ये पंक्तियां दिल तक छुए तो तालियों के रूप में इसका स्वागत जरूर विश्वासघात का छुरा पीठ में गाड़ दिया, चिल्ला सब झोंके में पीछे मानचित्र को फाड़ दिया, बारूदी अंगारे लेकर सीमा रेखा नाम चुका, कसमें बातें प्यार मोहब्बत सब छूटी बरसात कल परसों जो भरी गई थी मांग बिना सिंदूर खड़ी, जिनके कारण सर्द हिमालय गर्म खून से लाल हुआ, जिनकी तो होंगे दोनों से घायल माता भाल हुआ। कैसे दिया गया उनको घर से वापस जिंदा जाने कैसे दिया गया उनको वापस कैसे जिंदा जाने कैसे दिया गया बिना समर्पण छोड़ दिया इस मनमानी शैतानी को, राजनीति की गाली के लिए सेना की कुर्बानी को, राजनीति की गाली के लिए सेना की कुर्बानी को। सेना मर मर कर पाती है दिल्ली सब खो देती है, और शहीदों के लहू को शाही से धो देती है, और शहीदों के कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उसको नींदों की सरवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सरवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सरवट याद रही होगी। उन आंखों की दो बूंदों से सादो सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों में मंगलसूत्र उतारे हैं, मेहंदी वाले हाथों में रोई होगी चुपके धक्के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके कोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सुने आंगन में, शायद पुत्र आया होगा बूढ़ी माँ के दामन में, शायद पुत्र आया होगा बूढ़ी माँ के दामन में। जो अपने बेटे की, जो अपने पति की, जो अपने भाई की अर्थी को कंधा दे सकती है, वो औरत कुछ भी कर सकती है, और इतना बड़ा हौसला उसमें होता है। अंतिम पंक्तियां, मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाती हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाती हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाती हूँ। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है, बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है, सीमा से ज्यादा संयम भी कायरता कहलाता है, सीमा से ज्यादा संयम भी कायरता कहलाता है। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत समय तक ठीक नहीं, खुद को बिच्छू से लड़वाना बहुत समय तक ठीक नहीं, नागपनी पर बेला चंपा कभी नहीं उग सकते हैं, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिल सकते हैं, जिनके कारण पूरी खाटी जली भरती रहती है, बाकी बिंदी दाग दिखाई देती है, वे
वैष्णो माँ देवी के घर में आगरी खाई देती है।